कमानी वगैरह खोली हुई है, चलो करवा लेते हैं। तो चार बंदे लगे हुए हैं एक साथ में, इनकी तड़े शड़े वगैरह डलवाएंगे, पट्टे ना सीधे हो गए हुए हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। सो गाइज, अभी हम अभी वेस्ट बंगाल को क्रॉस कर दिया हमने, ऑलमोस्ट किशनगंज में पहुंच गए हैं। पूर्णिया रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर, बिगोसराई, मुजफ्फरपुर। अभी हमने पूर्णिया से गाइज लोड का प्रोग्राम सेट करना है पंजाब हरियाणा का साइड का। बाकी चलो, अभी मेरे को लगता है बिहार में हम एंटर होने वाले हैं, क्योंकि इस्लामपुर और किशनगंज के बीच में बॉर्डर आता है। तो अभी हम किशनगंज में ही हैं, बॉर्डर अभी पार नहीं किया हमने, बिहार में एंटर नहीं हुए हैं, अभी बंगाल ही है। तो चलो, ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, और चलो लेट अस गो। सो हेलो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं इधर, क्या बोलते हैं, पूर्णिया से पीछे ही हैं। अब चलते हैं गाइस, और आगे जाके पूर्णिया में रुकेंगे, वहां से लोडिंग का कोई जुगाड़ लगाएंगे। सो गाइस, चले हुए कंटिन्यू। तो रात को हम नहा धोकर वहां सो गए थे, कहां पे, सिलीगुड़ी ना। अब अपना यहां पूर्णिया में पहुंचे हुए हैं, जिस जगह लोडिंग हमारी कंफर्म हुई थी, लेकिन वो बबारी बोल रहा अभी हमारा 20 टन माल तैयार है। तो हमने सोचा यार, फिर उधर क्यों रुके, इधर ही आ जाते हैं पूर्णिया चौक में। बार का भी दिखाते हैं आपको, धारा फोन ना गिर जाए कहीं, डर लगा रहता है ये। भाई साहब फुल मजे करते जा रहे हैं। क्या चुने हम पूर्णिया चौक में आगे पूर्णिया में, तो इधर ही वेट करेंगे ट्रांसपोर्ट वाले के पास में। क्या करें यार, किस्मत में जो मुकदर में लिखा होता है वही है। अब जेके नंबर गाड़ी ना आना उसी बजाय ना उधर लगे अपने जेके नंबर की गाड़ी। ये क्या बोल रहा है, यो नहीं है ये 84 नासी लत। तो गाइस, हम अभी पूर्णिया में पहुंचे थे, ये रही स्पीड रोड लाइन, यहाँ से इसी ट्रांसपोर्ट वाले से भरेंगे, लोड करेंगे। फिलहाल हमने आज एक काम कर दिया, छेड़ दिया काम, अब इसके चारों कमानियाँ पीछे वाली पट्टे बढ़ाने हैं यार, एक एक पट्टा बढ़ा देना, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे टाइम नहीं लगता। तो आज इधर ही टाइम लग गया, तो हमने सोचा चलो करवा लेते हैं। ये देख लीजिए भाई, लगे दो इधर लग गए, दो साइड में लग गए, चार बंदे, और एक ये वो कश्मीरी गाड़ी है, इसने भी कमानी करवाई है भाई ने। तो चलो, बाकी गाड़ी की लुक देखो गाइस, गाड़ी वॉशिंग वगैरह करवाने के लिए है, तो वॉशिंग भी करवा लेंगे। इसके घोड़े छोड़े वगैरह, मतलब बुश वगैरह, टायर गलत खा रही है ना गाड़ी, इसलिए उठे ना यमुनानगर। तो गाइस, आज हमने कमानी वगैरह करवा लेते हैं, ये रही कंपनी। तो कमानी वगैरह खोली हुई है, चलो करवा लेते हैं। तो चार बंदे लगे हुए हैं एक साथ में, इनकी तड़े शड़े वगैरह डलवाएंगे, पट्टे ना सीधे हो गए हुए हैं। सो गाइस, अभी कमानी अपनी यहाँ खोली हुई है, चारों कमानी उधर को साफ कर रहे हैं, ये
सो भाई लोग अभी भी अपना काम चल रहा है कमानी का। देख लो इस साइड वाली कर दी दोनों, एक उस साइड में कर दी, तीन हो गई। तो अभी देख लो रात को काम टाइम चेक करो कितना हो गया। टाइम हो गया 8 बजने वाले। अभी अपना काम चला हुआ कंटिन्यू, 4 बंदे लगे हुए बहुत मस्त काम कर रहे हैं यार यहाँ पे। मतलब एक बात है, बंदे हमने हर जगह देखे लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया काम होता है। अभी भी चल रहा है रात को 8 बजे। सो गाइज अभी आपको पता है यार, अपनी गाड़ी की ना कमानी वगैरह थोड़ी डाउन थी, गाड़ी पीछे से ऐसे डाउन थी। तो आप देख लो अब कमानी वगैरह एक साइड से तो हो गई, अब दूसरी साइड से भी हो जाएगी। तो आपको बताएंगे पूरी गाड़ी, आपको पता लग ही जाएगा गाड़ी की, मतलब पीछे से दबी हुई थी तो टायर, उसकी वजह से टायर भी गलत खा रही थी और ऊपर से अलाइनमेंट भी, मतलब थोड़ा गाड़ी की अपसेट तो थी, गाड़ी टायर अपसेट टायर खा रही थी। तो ये देख लो छोटे छोटे इधर मतलब घूम रहे हैं बेचारे, ये भी नशा करते हैं। इनको मैंने बोला यार नशा ना किया करो, छोटे हैं। तो ये देख लो मिस्त्री अभी भी लगे हुए हैं गाइस, चेक करो। देख लो बेचारा हमारे डैडी की उम्र का है भाई ये अंकल, तो देख लो यार बहुत मेहनत करता है ये लड़का है एक उसका, जो वो ऊपर से मार रहा है थोड़ा।